नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और मैं भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, जो मैं नॉर्मली नहीं कर पाता हूं। मेरी ज्यादातर वीडियो लंबी होती है, मैं कोशिश करके भी वीडियो को छोटा नहीं कर पाता हूं। तो दोस्तों नॉर्मली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं उनके बहुत ही सिंपल टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं। हम उनको मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं या फिर कभी कभी सप्लाई से कनेक्ट करके भी उन कंपोनेंट को हम चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी कंपोनेंट की जो फेलियर है वो इस तरह की होती है, इस लेवल की होती है कि वो हमारे सिंपल टेस्टिंग प्रोसेस में हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई डायोड है या ट्रांजिस्टर है, हम उसको सर्किट से बाहर निकाल के मल्टीमीटर से या सप्लाई से चेक करते हैं तो वो हमारे टेस्टिंग प्रोसेस में पास हो जाता है। हम उसको सर्किट में वापस लगा देते हैं और फिर सर्किट में बाकी जगह पे हम ढूंढते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं कि हमारे सर्किट में बाकी कहां क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये हमारा सर्किट यहां पे काम नहीं कर रहा है। और कभी कभी उस ट्रांजिस्टर को हम चेंज कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। यानी कि ट्रांजिस्टर को चेंज किया तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और सिर्फ उसको हमने टेस्ट करके वापिस लगा दिया तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। यानी कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग प्रोसेस में वो हमारा जो ट्रांजिस्टर है या डायोड है या रेगुलेटर है वो पास हो गया, लेकिन फिर भी वो खराब है। उसकी फेलियर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो जटिलता है, इतनी है, ज्यादा है कि हमारे टेस्टिंग प्रोसेस में हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक कंपोनेंट आज मेरे पास भी आया है, LM78057805, जो कि एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, जिसका बिल्कुल सिंपल सा काम है कि अगर उसके इनपुट पे हम डीसी 7 वोल्ट से लेके डीसी 35 वोल्ट तक उसके इनपुट पे कनेक्ट करेंगे तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करके 5 वोल्ट आउटपुट में हमें देगा। उसके ऊपर मैंने एक दो वीडियो भी बनाए हैं डिटेल में, वो आप देख सकते हैं, आपको ऊपर आई के बटन में मिल जाएंगे। दोस्तों मेरे पास सर्किट में मुझे लगा कि जो है ये प्रॉब्लम जो है आपकी सप्लाई से रिलेटेड हो सकती है, 78.05 से हो सकती है। मैंने रेगुलेटर को बाहर निकाला, मल्टीमीटर से चेक किया कि वो रेगुलेटर मेरा शॉर्ट तो नहीं है। दोस्तों वो शॉर्ट नहीं था, चेक किया ओपन तो नहीं है, ओपन भी नहीं था। दोस्तों फिर मैंने उसको 12 वोल्ट के एसएमपी से इनपुट पे कनेक्ट करके चेक किया कि वो 5 वोल्ट निकाल रहा है कि नहीं निकालता। मैंने 12 वोल्ट इनपुट पे कनेक्ट की, आउटपुट पे चेक किया तो वो आपका 5 वोल्ट रेगुलेट करके आउटपुट पे निकाल भी रहा है। यही मेरी टेस्टिंग थी, मैंने इस टेस्टिंग में उसको पास किया, सर्किट में वापिस लगा दिया, लेकिन सर्किट की प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं। मुझे कुछ कई और जगह भी उसका जो है सर्किट को समझने की कोशिश की कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो हमारे साथ भी आती हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, टेस्टिंग में पास हो जाता है फिर भी प्रॉब्लम रहती है। आज उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल करूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बताऊंगा, ताकि आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे डायग्नोस करके कैसे सोल्व करेंगे, कैसे रिजोल्व करेंगे। फिर मैंने क्या किया कि इस रेगुलेटर को पूरी विंडो पे चेक किया, 7 वोल्ट से लेके और 30-32 वोल्ट तक मैंने चेक किया कि इसका पूरे विंडो में इसका क्या बिहेवियर है। तो मुझे पता लगा कि ये इसका जो फेलियर है कुछ इस तरीके का है कि इसके बिहेवियर में कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलताएं काफी थी, वो मैं यहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप भी भविष्य में इस तरह की समस्या आए तो पूरा टेस्टिंग प्रोसेस लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे आपके मेरे पास खराब भी है, एक ओके भी है, दोनों को कंपेयर करके मैं चेक करके प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों ये मेरे पास दो वोल्टेज रेगुलेटर हैं, 7805, दोनों ही 78.05 हैं, और दोनों ही मैंने पुराने सर्किट में से निकाले हैं। इन दोनों को हम चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा खराब है कौन सा ठीक है। नॉर्मल टेस्टिंग में दोनों पास हो जाएंगे, लेकिन और डीपली इसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये आपका रेगुलेटर खराब है। दोनों की जो लेग हैं उनमें लेंथ में डिफरेंस है, वो इसलिए ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारा ये ओके वन है और ये आपका खराब है, फॉल्टी है। इसलिए मैंने दोनों की लेग में जो है डिफरेंस रखा है ताकि आपको विजुअली दिख जाए कि ये लंबी लेग वाला हमारा ठीक है या छोटी लेग वाला ठीक है, क्योंकि कैमरे में इतना साफ दिखाई नहीं देता है। अभी मैं क्या करूंगा, आप लोगों को चेक करके दिखाता हूं। नॉर्मल प्रोसेस में हम कैसे चेक करते हैं, शॉर्टिंग का चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को डायोड पे करते हैं और इसकी जो बीच वाली जो ग्राउंड होती है उस पे, जो कि हीट सिंक से भी कनेक्टेड होती है, उस पे हम लगाते हैं पॉजिटिव और इनपुट पे
चेक करेंगे तो एक डायोड की वैल्यू दिखाएगा, आउटपुट पे चेक करेंगे तो भी एक डायोड की वैल्यू दिखाएगा, लेकिन रिवर्स डायोड जैसे होता है उस तरीके से। ये भी कुछ इस तरीके से दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी 0.5 के आसपास और यहाँ पे भी 0.58 के आसपास। इसने भी दोनों जो है टेस्टिंग यहाँ पे पास कर ली है, दोनों ही रेगुलेटर ने, शॉर्ट नहीं है, ओपन भी नहीं है, जो वैल्यू दिखानी चाहिए लगभग वैल्यू वही दिखा रहे हैं दोनों ही आपके वोल्टेज रेगुलेटर। अब दूसरा प्रोसेस क्या था कि मल्टीमीटर में कर लेता हूं डीसी पे, और ये मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसको मैं चेक करके बताता हूं पहले आपको। ये देखिए इनपुट को कनेक्ट कर लेता हूं मैं, ये 12.5 वोल्ट ये इनपुट मेरे पास डीसी सप्लाई है, एसएमपीएस है। इसको चेक करता हूं पहले मैं, जिसकी छोटी लैग है उसको चेक करूंगा। ग्राउंड मैंने लगाया इसके ग्राउंड पे, इनपुट को मैं इस तरफ से बेंड कर लेता हूं थोड़ा सा, और इनपुट 12 वोल्ट है मैंने इसके कनेक्ट कर दिए इस वाली एक नंबर पिन पे। एक नंबर जो पिन होती है ये देखिए, एक नंबर पिन पे मैंने कनेक्ट कर दी है, ये ग्राउंड और एक नंबर पे इनपुट। अब हम चेक करते हैं इसको, ये 12 वोल्ट इसकी इनपुट पे आई और आउटपुट दोस्तों कितनी निकाली इसने, 4.96, 4.97 इनपुट पे है 12.5 वोल्ट, तीसरी लेग पे आउटपुट निकालता है वोल्टेज रेगुलेटर और इसने निकाली 4.96। तो मेरे हिसाब से ये रेगुलेटर ठीक है, मैं इसको पास कर दूंगा। इसको मैं रख देता हूं छोटे वाले को यहां पे। अब लेता हूं जिसकी लंबी लेग है, इस पर भी मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया और पहली लेग जो कि इनपुट है उस पर मैंने 12 वोल्ट कनेक्ट की। चेक करते हैं, 12.52 इनपुट है और दोस्तों इसने भी आउटपुट निकाली 4.9495, लगभग 4.9594 इसने आउटपुट निकाली। ये भी मेरी टेस्टिंग में पास है, इसने भी लगभग 5 वोल्ट निकाल दी है, क्योंकि 0.05, 0.03 ऐसा कभी कभी आता है और आपको ज्यादातर वोल्टेज रेगुलेटर में ऐसा मिल भी जाता है। एग्जैक्ट 5 वोल्ट निकाले तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इतना टॉलरेंस थोड़ा सा होता है कि 4.97 या 96 ऐसा आता है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के ऊपर 12 वोल्ट की बजाय मैं इस पे जो है 24 वोल्ट कनेक्ट करके चेक करूंगा। मेरे पास 24 वोल्ट का भी एक एसएमपीएस है, ये मेरे पास 24 वोल्ट का एसएमपीएस है। ये देखिए पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक करवा देता हूं आपको, ये 27 वोल्ट निकाल रहा है, जो कि हम 35 वोल्ट तक इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो 30 वोल्ट से कम है। अब मैं इसको चेक करता हूं, यहां पे नेगेटिव को लगाता हूं हीट सिंक पे और पॉजिटिव को कनेक्ट कर देता हूं एक नंबर पे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ग्राउंड पे लगा के चेक करता हूं इनपुट दोस्तों मैंने कनेक्ट की 28 वोल्ट के आसपास, 27 पॉइंट कुछ। आउटपुट चेक करता हूं 8.30, यानी कि 12 वोल्ट पे या 12.5 या 13 वोल्ट पे तो इसने 5 वोल्ट निकाल दी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 27 या 28 वोल्ट दी तो इसकी रेगुलेशन दोस्तों यहां पे फेल हो गई है और इसने 8.35 वोल्टेज निकाल दी है। 38.05 है ये, इसने निकाल दी है 8.37, यानी कि आपका ये जो रेगुलेटर है ये हमारी नॉर्मल टेस्टिंग में जो 12 वोल्ट कनेक्ट करके हम करते हैं उसमें पास हो गया था, लेकिन पूरी विंडो में इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है जैसा आपके डाटा शीट में होता है कि पूरा 30 वोल्ट तक भी इसको 5 वोल्ट ही निकालनी चाहिए। अब ये लंबी लैग वाला चेक करवा देता हूं मैं आपको, ये भी 78.05 ही है, 28 वोल्ट इनपुट पे कनेक्ट की मैंने, लेकिन इसमें अभी भी जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है वो 4.92, 4.93 है, यानी कि ये 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है ये ठीक है, क्योंकि इसने पूरी विंडो में वोल्टेज को रेगुलेट करके रखा है। 4.93994 पहले थी, 4.9493 के आसपास बाद में थी जो भी इसकी वोल्टेज थी, लेकिन ये जो रेगुलेटर है जो छोटी लेग वाला है ये 12-13 वोल्ट तक तो इसने 5 वोल्ट निकाली, लेकिन जैसे ही मैंने 27-28 वोल्ट इस पर कनेक्ट की तो इसकी रेगुलेशन फेल हो गई और इसने 8-9 वोल्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। उस केस में अगर ये माइक्रो कंट्रोलर पे तो माइक्रो कंट्रोलर को ये खराब कर सकता है, या कहीं और हमने इसको यूज किया है तो वो रेफरेंस आपका चेंज हो जाएगा और सर्किट आपका मिसबिहेव करेगा, सर्किट में बड़ी तरह की जटिलताएं कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की कुछ समस्या आती है तो आप उसकी डाटा शीट को देख के
और उस कंपोनेंट को कोशिश करें कि उसकी पूरी विंडो में चेक करें। तो दोस्तों इस तरह के कंपोनेंट की और इस तरह की जो फेलियर हैं वो हमें काफी तरीके से परेशान करती हैं। अगर हम उसमें टाइम डिवोट नहीं करते हैं, समय नहीं लगाते हैं, तो कई बार तो हमारे को सर्किट या पीसीबी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन कितनी बार हम सर्किट या पीसीबी चेंज करेंगे? इससे अच्छा है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस पीसीबी को साइड में रखें और उस पीसीबी को अगर कभी टाइम लगे तो उसके ऊपर टाइम डिवोट करके और पूरा डीपली उसको स्टडी करके इस तरह की प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई करके निकालें, ताकि भविष्य में अगर वही पीसीबी या उस तरह की प्रॉब्लम रिपीट आती है तो हमें बार बार पीसीबी चेंज ना करनी पड़े, सर्किट हमें चेंज ना करना पड़े। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के बाकी वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोज को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।